नाच तेनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तेनू जे चैन नहीं लगदा, यीशु कोल आवी ते चंगा ए, दुनिया च तेनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंगा जाना है, उच्चे नीवे थावां विच खेड़े पिया खाना है, पापा दे हनेरियां च किथे लंगा जाना है, उच्चे नीवे थावां विच खेड़े पिया खाना है, तेरा जेड़ा पार चुके तेनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तेनू नहीं लगदा, यीशु कोल आवे ते चंगा ए, दुनिया च तेनू दे चैन नहीं लगदा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी तो प्रोग्राम नई जिंदगी दे वल विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत करदा। मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होंगे, चंगे होंगे, परमेश्वर दे कलाम दे विच वध रहे होंगे। आओ हर बार दी तरह असीं परमेश्वर दे कलाम चों सीखण तों पहलां अपनियां अखां नूं बंद करिए, अपने सिरां नूं चुकाइए। आओ असीं प्रार्थना दे विच जाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं इह मौका दित्ता असीं तुहाडी हजूरी च बैठ सकीए, तुहाडे वचनां विचों सीख सकीए, इस कलाम नूं खुदावंद अपनी जिंदगी दे विच लै सकीए। महान परमेश्वर, हुण दो कि अज जदों असीं तुहाडा कलाम पढ़ीए, उहनूं सुणीए, साडी जिंदगी चेंज होवे, साडी लाइफ, साडा लाइफ स्टाइल चेंज होवे, ते असीं नवीं जिंदगी दे वल जाइए। हर उलझाण वाली आत्मा, हर एक स्पिरिट जो तेरे वचनां तों सानूं दूर करदी है, यीशु मसीह दे नाम च असीं उहनूं कैंसल करदे हां। तुहाडे वचनां नूं समझ देण दा सानूं स्पिरिट देणा, वचनां नूं समझ सकीए खुदावंद, उह आत्मा देणा तुहाडे वचनां दे उत्ते मैडिटेट कर सकीए, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हाँ। आमीन आमीन। तुसीं भी बोल सकदे हो आमीन। आमीन दा मतलब जो कुछ असीं मंगिया प्रभु यीशु मसीह नूं उसे तरह रिलीज़ करन। ते विच विच जदों मैं हालेलुया वर्ड दा इस्तेमाल करदा तां शायद कोई मेरा भैण भरा इस वर्ड दा मतलब ना जानदा होवे। मैं तुहानूं दसना चाहना हालेलुया दा मतलब है आसमान दे विच प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी स्तुति होवे। हालेलुया। तां आओ असीं परमेश्वर दे कलाम दे विचों, उसदे वचन दे विचों एक अलग विषय नूं अज देखांगे। जो विशा अज मैं तुहाडे नाल वंडना चाहुंदा, मैं जानदा ये विशा हरेक दी लाइफ दे विच ट्रबल दिंदा, पर मैं तुहानूं अज दसांगा कि किस तरह परमेश्वर दा वचन तुहानूं तुहाडी ट्रबल्स दे विचों कढ सकदा। हालेलुया। असीं पढ़ांगे परमेश्वर दे कलाम दे विचों फिलिपियन दी किताब, उहदा 4 अध्याय, उहदी 4 आयत तों मैं तुहाडे लई पढ़ांगा। इत्थे लिख्या, हमेशा खुश रहो। मैं फिर कहिंदा हाँ, खुश रहो। सब मनुखां नाल नम्रता वाला वर्ताव करो, प्रभु नेड़े है। किसी भी गल की चिंता ना करो, सगो जो कुछ भी होवे प्रभु परमेश्वर नूं दसो, गल की प्रार्थनावां अते अरदासां द्वारा उसका धन्नवाद करो। तद परमेश्वर की शांति जो साड़ी सारी समझ तो परे है मसीह विच तुहाडे मना अते विचारां दी राखी करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन संत पौलूस दे द्वारा सानू जो दिता गया, वो ये गल कहिंदा कि हमेशा खुश रहो। मैं फिर कहना हमेशा खुश रहो। कि यह पॉसीबल है कि असी हमेशा खुश रहिए? कि यह पॉसीबल है कि हमेशा असी रिजॉइस करिए, असी हमेशा इक्को ही मूड दे विच रहिए? ये पॉसीबल तो नहीं, पर असी परमेश्वर दे वचन विचों होके इनू पॉसीबल कर सकते हैं। मैं तुहानू दसांगा कि क्यों जरूरी है हमेशा खुश रहना। जे संत पौलूस ने गल कही, परमेश्वर के बहुत बड़े संत हुए संत पौलूस, जे उन्होंने गल लिखी तो वह इस करके नहीं लिखी कि तुहानू सिर्फ एक टैंपरेरी रिजॉइस देण लई, तुहानू सिर्फ खुश करन लई, क्योंकि वह कहिंदे कि जे मैं मनुखां नू खुश करदा तां परमेश्वर दा दास ना हुंदा। जे वह यह गल कह रहे ने कि खुश रहो, मैं फिर कहना हमेशा खुश रहो, तां इहदे पिछे बहुत वड्डा एक राज छुपया होया।
एक बहुत वड्डा सीक्रेट है इहदे पिछे। क्यों संत पौलुस ने कहा खुश रहो, मैं तुहानू दसांगा वचन दे विच्चों, जदों असी खुश नहीं हुंदे, जदों असी सैड हुंने आ, दुखी हुंने आ, इस दुख दे नाल जो असी अपनी स्पिरिट दे विच फील करदे आ, ना सिर्फ असी अपनी फिजिकल बॉडी नूं इहदे नाल नुकसान करदे आ, इहदे नाल नाल असी अपनी स्पिरिट नूं वी नुकसान करदे आ। ते जदों साडी स्पिरिट इस सैडनेस दे विच चली जांदी है, उस वक्त सब तों ज़्यादा खतरनाक गल की हुंदी है कि परमेश्वर का आत्मा साडे नाल गल नहीं कर सकता। इसलिए संत पौलुस ने कहा हमेशा खुश रहो। जे तुसी बीमारी चो तुसी खुश नहीं हो सकते हो, तुसी फाइनैंशली स्ट्रगल चो खुश नहीं हो सकते, थोड़े बच्चे थोड़े कहने च नहीं तुसी खुश नहीं हो सकते, थोड़े पेरेंट्स ट्रबल च ने तुसी खुश नहीं हो सकते, थोड़ी कोई जॉब नहीं तुसी खुश नहीं हो सकते, पर जे तुसी परमेश्वर दे कलाम दी इंपोर्टेंस नू जानदे हो, तुसी उन्हां सिचुएशंस दे विच वी बाइबल चकोगे, वो वर्सिस कढोगे, वो आयतां कढोगे जिथे लिखिया कि तेरी बीमारी तो चंगे होने लई यीशु मसीह ने की कीता, तेरे फाइनैंस नू सुधारन वास्ते तू की कर सकदा जिचो तू जिसदे नाल तू उस प्रॉब्लम चो निकल सकें, तेरे बच्चे तेरे कहने दे विच होण तू की करें, तेरे पेरेंट्स लंबी उम्र ते तंदुरुस्त रहण उहदे वास्ते तू की करें, तू लंबी उम्र ते तंदुरुस्ती दी लाइफ चो तू जी सकें उहदे वास्ते बाइबल की कहिंदी तू करें। जे तुसी उस चीज़ नू तुसीं मैडिटेट करोगे, कढोगे उहदे नाल, उहनां वचनां दे नाल जो तुसीं प्रार्थना च जाओगे, तुसीं हमेशा खुश रहण वाले हो। हालेलुया, क्योंकि बाइबल एक अजिही किताब है जिहदी हर एक गल दे पिछे कई बाइबलां छुपियां होईयां ने। संत पौलुस ने कहा खुश रहो, मैं फिर कहना खुश रहो, क्यों मैं थोनू दसांगा क्यों, क्योंकि वह ये गल नू जानदे ने कि जे असी खुश नहीं, जे असी ट्रबल च हाँ, जे तुसी अपनी बीमारी नू लैके दुखी हो, वो बीमारी थोनू प्रार्थना नहीं करन देगी। जे थोनू फिजिकली थोनू कोई फाइनैंशियली ट्रबल है, वो फाइनैंस दे घटन दे कारण वह ख्याल थोड़े माइंड नू प्रार्थना ना करन देन लई ट्रेंड कर देणगे, वो थोनू ये गल मनण लई मजबूर कर देणगे कि परमेश्वर है ही नहीं, जे परमेश्वर हुंदा तां इदां क्यों। ते जो तुसी एक दिन प्रार्थना नू मिस करदे हो, अगले दिन भी तुसी उस तरह ही करन दी ट्राई करदे हो, वो दिन हफ्तियां च, हफ्ते महीनियां च, ते महीने सालां च बदल जांदे ने। ते शैतान दा इह हथियार के परमेश्वर दे लोक वचन तो दूर हो जाण, उहनू करन च सफल हो जांदा, ते साडी ट्रबल हमेशा दी ट्रबल बन जांदी है फिर। पर संत पौलुस कहिंदे खुश रहो, मैं फिर कहना हमेशा खुश रहो। जे तुसी खुश होवोगे इहदा मतलब तुसी अपना भरोसा परमेश्वर ते दिखा रहे हो, तुसी शैतान नू शर्मिंदा कर रहे हो, तुसी उहनू इह कह रहे हो ये ट्रबल मैनू परमेश्वर दे प्यार तो अलग नहीं कर सकती, ये ट्रबल मैनू परमेश्वर च वधन तो नहीं रोक सकती, मेरे हालात सुधरणगे, मेरी बीमारी जाएगी, मेरा फाइनैंस सुधरेगा, मेरे बच्चे सुधरणगे, मेरे पेरेंट्स तंदुरुस्त रहणगे, मेरी लाइफ परमेश्वर दे नाम दे विच ब्लैस रहेगी। असी इह गल उहनू कह रहे हुंदे आ। ते जदों इन्हां गल्लां नूं सुणदा, साडी रैगूलर उस मैडिटेशन नूं ओह रिपीट देखदा, ओह साडी लाइफ ते काम नहीं करेगा। पर जदों असीं उहनूं लै के फड़ के उहदे उत्ते बैठ जांदे आ, फिर ओह साडी लाइफ नूं हिलाण दी कोशिश करदा। गलेशियंस दी किताब नूं असीं देखदे हां, गलेशियंस दी किताब उहदा 6 अध्याय, उहदे विच्चों मैं तुहाडे लई 4 आयत तों जे पढ़ा, तो इत्थे लिखिया हर मनुख अपने काम की अपने लिए आप ही जांच करे, इस तरह उसनू केवल अपने नाल ही टाकरा करके माण करन दा मौका मिलेगा, ना कि दूजे दे नाल, क्योंकि हर एक नू अपना भार आप ही चुक लेना चाहिदा है। बाइबल कहिंदी, पौलुस इस गल नू दसदे ने कि सानू अपने दुख नू लैके बैठ नहीं जाना, असी जांचना कि असी क्यों ट्रबल च, असी क्यों दुखी हाँ, साडी लाइफ च प्रॉब्लम क्यों आई, उन्हां चीज़ां नू असी दूर करिए लाइफ तों, तां कि परमेश्वर साडे नाल गल कर सकन। की तुहानू लगदा कि पौलुस कदे निराश नहीं हुंदे होणगे, जां कि उन्हां नू दुख नहीं हुंदा होएगा? जे ओह गल लिख रहे कि खुश रहो, मैं फिर कहना हमेशा खुश रहो, की इहदा मतलब इह है कि संत पौलुस हमेशा ही खुश ते इक्को मूड च रहिंदे होणगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, असी ह्यूमन बीइंग हाँ। पर वो क्यों इस तरह कह रहे, क्यों इस तरह लिख रहे, मैं थोनू दसांगा। रोमन की किताब उदा 8 अध्याय जी आप पढ़ते हैं, वो 37 आयत तो मैं थोड़े लिए पढ़ा, इतने लिखे
पर नहीं, असी उस दे द्वारा जिसने सानू प्यार किया है महा जेतु सिद्ध होंने हाँ। मेरा पूरा विश्वास है कि सानू कोई चीज़ उसके प्यार तो वक्रा नहीं कर सकती, ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शैतान दिया शक्तियां, ना वर्तमान, ना भविख, ना प्रकृतिक शक्तियां, ना आकाश दिया शक्तियां, ना पताल दिया शक्तियां, बल्कि सारी सृष्टि की कोई भी चीज़ सानू परमेश्वर के प्यार तो जो प्रभु येशु मसीह के द्वारा साढ़े ते प्रगट किया गया है वक्रा नहीं कर सकती। तुहानू की लगता कि संत पौलुस ये गल नूं इस गल नूं वह कह के ये दस रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह का वा, इस तरह नहीं है। वो इस गल नूं बोल के वो एक प्रोफेसी डिकलेयर कर रहे ने अपने वास्ते कि चाहे मेरी बॉडी ते ट्रबल आवे, चाहे मैनू फाइनैंशली ट्रबल आवे, चाहे मैनू फिजिकली ट्रबल आवे, चाहे स्वर्ग तो, चाहे पृथ्वी तो, चाहे किसी भी जगह तो मैं देखा कि मेरी लाइफ के कुछ चीज़ा सेम सही नहीं, वह कहें फिर भी वह चीज़ा मैं परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि भविख के कुछ मेरे लिए तैयार किया गया, कि ट्रबल्स शैतान मैनू दे सकता। वह इस वर्ड्स नू बोल के डिकलेयर कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं होवांगा। वो इस गल नू बोल के ये दस रहे थे कि मैं खुश रहांगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जो तुम अपने मूँह तो चीज़ों बोलते हो ये चीज़ा पूरी होंदिया ने। इस गल नूं उन्होंने दस अध्याय दे विच भी कहा, रोमन दस दे विच उन्होंने कहा कि धार्मिकता दे लई मन तो पर उधार दे लई, मुक्ति दे लई, सालवेशन लई मूँह तो अंगीकार करना पएगा। जो तुसी मूँह तो अंगीकार करोगे परमेश्वर उन्हूं रिलीज़ करनगे। थोड़े मूँह तो डिकलेयर किए गए वर्ड्स नूं शैतान रोक नहीं सकता। तो जे तुसी अपने मूँह तो ही नैगटिविटी रिलीज़ कर रहे हो परमेश्वर भी उन्हूं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे मूँह दे विच जिंदगी, तेरे मूँह दे विच मौत मैं दित्ती। असी याद रखो परमेश्वर दे स्वरूच बनाए गए हैं, सारी पृथ्वी सारी सृष्टि उहदे मूँह दे वचना दे नाल बनी, उन्हें सानू सेम पावर्स दित्तियां ने। अज भी असी जो मूँह ते बोलदे हां असी उहनू पूरा हुंदा देखदे हां। जे तुसी खुश नहीं हो तां भी तुसी अपने मूँह तो इस वर्ड्स नू रिलीज़ करो, परमेश्वर मैं तेरे विच आनंदित हां क्योंकि मेरे हालात बदलणगे, मैनू तू इस लई अपने स्वरूच बनाया कि मैं अपने मूँह के द्वारा बोला, अपने मूँह के नाल चीज़ां नू मैं क्रिएट कर सकाँ, मैं क्रिएट कर सकाँ उन्हां सिचुएशनज़ नू जो अज मेरी लाइफ के विच नहीं। तुसीं अपने हालात नू चेंज होंदे हुए देखोगे, तुसीं देखोगे परमेश्वर किस तरह अद्भुत ते अजीब तरीके नाल थोड़ी लाइफ के विच उन्हां डिवाइन हैल्पर्स नू डिवाइन तरीकों के नाल थोड़ी लाइफ के विच एंटर कराएगा। अज भी जो तुसीं इस कलाम नू टीवी के माध्यम नाल देख रहे हो एक डिवाइन हैल्प है परमेश्वर के वल्लों, क्योंकि मैं जानदा अपनी स्पिरिट के विच कि बहुत सारे अजिहे लोग मैनू देख रहे हैं जो ना खुश ने, जो प्रॉब्लम च ने, जो ट्रबल च ने, जो खुश नहीं है। मैं थोनों दसना चाहना मेरे भैनों तो मेरी मेरे भरावो, मैं थोनों मैनू दसना चाहना कि तुहाडे दुखी रहने नाल तुहाडे हालात चेंज नहीं होणगे, बल्कि जो तुसी दुखी होंगे तुसी अपने मूँह तो अपने लिए ही कर्स रिलीज़ करोगे तो जिदे विच परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती जो यीशु मसीह बदलों के उत्ते उठाए जाने वाले से उन्होंने की किया, उन्होंने कहा मैं जा रहा पर पिता तो मैं प्रार्थना करदा कि तुहाडे लिए एक सहायक नूं दिता जाए जिहड़ा तुहानूं हुण तुहाडे नाल नहीं तुहाडे विचकार तुहाडे अंदर होएगा। वह पवित्र आत्मा तुहाडे ते मेरे अंदर दिता गया, जे असी पवित्र आत्मा नूं फीड करांगे असी उहनूं जिउंदा रखांगे, ते जे उह जिउंदा रहेगा उह साडे नाल गल भी करेगा, सानूं लीड भी करेगा, सानूं गाइड भी करेगा, ट्रबल्स तो कढ़न लई तरीका भी दसेगा। पर जे असी उन्हों खुद ही मार दिने उन्हों अपने वर्ड्स दे नाल, पवित्र आत्मा दी फीड है ये वचन है उहदी फीड। पवित्र आत्मा कबूतर दे वांगू यीशु मसीह ते उतरिया, कबूतर दा खाना की है? बीज। कबूतर मांस मच्छी नहीं खांदा, एक बीज। उसे तरह पवित्र आत्मा उहदा भोजन की है? उहदा भोजन है बीज। तो यीशु मसीह ने कहा बीज परमेश्वर का वचन है, ये वचन जो तुसी उन्हूं दोगे उदी लाइफ के जो उस इनवॉल्वमेंट नूं तुसी करोगे तुसी अपनी लाइफ नूं चेंज होंदे हुए देखोगे। हालेलुया। असी रुकांगे एक छोटे जे ब्रेक दे लई, ब्रेक तो बाद मैं थोनू दसांगा कि जे तुसी सचमुच आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, अपने लिए भविखबाणी करोगे मूँह खोल के, चीज़ा चेंज होणगियां, तो मैं थोनू दसांगा किस तरह परमेश्वर तुहाडे नाल गल करनगे, किस तरह पवित्र आत्मा थोनू गल करेगा तो थोनू लीड करेगा, थोड़ी लाइफ सेम नहीं रहेगी। असी रुकांगे एक ब्रेक दे लई, फिर असी परमेश्वर दे वचन चो देखांगे।
स्वागत है तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी दे विच। असीं देख रहे हाँ परमेश्वर के कलाम दे विचों कि किस तरह परमेश्वर के दास पालूस ने जिवें कहा खुश रहो, हर समय खुश रहो, आनंदित रहो, उहदे पिछे वजह की। मैं थोनों दसिया कि जे तुसीं अपने मूँह तो चीज़ां नूं खुशी दे विच रिलीज़ करोगे तो वह ब्लैसिंग्स होणगियां, दुखी होकर रिलीज़ करोगे तो वह करस बन जाएगा, जिहदे तो फिर परमेश्वर भी थोनों छुड़ा नहीं सकता जे तुसीं खुद अपने मूँह तो उहनूं रिलीज़ नहीं करते। हालेलुया। मैं थोनों दसांगा परमेश्वर के वचन के विचों कि क्यों जरूरी है आनंदित रहना, क्यों जरूरी है खुश रहना। असीं देखांगे भजन संहिता उहदा 51 अध्याय उहदी 10 आयत तो मैं तुहाडे लई पढ़ांगा। इत्थे लिखिया हे परमेश्वर तू मेरे अंदरों शुद्ध मन पैदा कर, नवी अते मजबूत आत्मा मेरे अंदर पा, तू मैनू अपने सामने दूर ना कर अते ना मेरे कोलों अपनी पवित्र आत्मा नू लै। अपनी मुक्ति का आनंद मैनू फेर दे अते अपनी आत्मा नाल मैनू संभाल, तद मैं अपराधियों नू तेरे बारे सिखावांगा अते पापी तेरे वल मुड़नगे। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि दाऊद जो कि इजराइल का राजा सी, परमेश्वर ने कहा कि मैनू मेरे अनुसार मेरे अकॉर्डिंग चलन वाला एक मनुख मिल गया। परमेश्वर के बहुत नेड़ता दे विच सी, परमेश्वर की गल सुनदा सी, कोई भी लड़ाई वह नहीं हारिया, हमेशा परमेश्वर नू नाल लेके चलन वाला वह इंसान जदों की लाइफ च पाप आया, जदों उन्हें बैतशबाना पाप किया, वो इस गल नू जान गया कि मैं पापी हाँ। जदों नतान नबी ने आके उन्हें कहा कि तू पाप किया, तू गलत किया, उन्हें कहा हाँ मैं पाप किया, उन्हें पापा नू मन्या, उन्हें छड़ दिता। क्यों उन्हें इस तरह किया, की लोड़ सी उन्हें पाप दे पाप नू छड़न दी, की लोड़ सी रिपेंट करन दी। वो तो राजा सी, उहदे कोल तां सब चीज़ा सी। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने कहा कि तेनू राजा बना के तेनू इस तरह लग्या कि सब कुछ मैनू मिल गया, हजे तो मैं तेनू शुरुआत की सी ब्लैस करन दी, ते तू पाप कर लिया। जे असी देखिए दुनियावी तौर पर दाऊद नू किसी चीज़ की लोड़ नहीं सी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर भी सी, बहुत पावरफुल भी सी, पर क्यों उन्हें फिर भी रिपेंट किया। वो इस गल नू जानदा सी कि जे मैं पाप दे विच आ, भले ही मेरे को दुनियावी चीज़ा तो कुछ टाइम लई रह सकदियां, पर परमेश्वर दा वो आत्मा मेरे नाल गल नहीं करेगा, पवित्र आत्मा मेरे तो अलग हो जाएगा। तो जे पवित्र आत्मा मेरे तो अलग हो गया तो मेरी लाइफ दे विच चीज़ा चेंज हो जाणगियां, मैं स्वर्ग तो दूर हो जावांगा, परमेश्वर तो दूर हो जावांगा, लाइफ च स्ट्रगल नू खुद न्योता देवांगा। इसे लिए उन्हें कहा हे परमेश्वर तू मेरे अंदरों शुद्ध मन पैदा कर, नवी अते मजबूत आत्मा मेरे अंदर पा, ते मैनू अपने सामने दूर ना कर अते ना ही मेरे कोलों अपनी पवित्र आत्मा नू लै। वो जानदा सी पवित्र आत्मा दी इंपॉर्टेंस की है, वो जानता सी कि जे पवित्र आत्मा मेरे विच हो के मेरे नाल हो के काम करता मेरी लाइफ चेंज रहेगी। पर जदों उन्हें ये पाप किया, जदों उन्हें नतान नबी ने दस दिता तू पाप किया, वो अपने आप च गिल्टी फील करता सी, वो अपने आप च खालीपन फील करता सी, अपने आप नूं इकला फील करता सी, सब कुछ सेम सी, पर वो फील करता सी पवित्र आत्मा खेदित है, दुखी है, वो मेरे नाल गल नहीं करता। जदों तुसी दुखी हुंदे हो पवित्र आत्मा दुखी हुंदा, ते दुखी पवित्र आत्मा तुहानूं लीड नहीं कर सकता, दुखी पवित्र आत्मा तुहानूं गाइड नहीं कर सकता। बाइबल दसदी है जदों याकूब दे बारे, जदों याकूब दे पुत्र यूसुफ नूं उहदे भरावां ने मिस्र दे विच भेज दिता, ते आके दस्या अपने पिता नूं कि साडे नाल जदों यूसुफ जा रहा सी जंगली जानवरां ने उत्ते अटैक किया, उहनूं मार दिता, उहनूं फाड़ दिता, उहदा अंग रखा एक जानवर दे लहू च भिओ के लिया के अपने पिता नूं दिखाया। लिखिया उह इन्ना उदास हो गया, उह शॉक्ड हो गया, उहदे बेटे बेटियां दे बार बार समझाउण तों बाद वी उह इही कहिंदा रिहा कि मैं बहुत दुखी हाँ, मैं जिवें मेरा बेटा यूसुफ मर गया मैं भी इस तरह मर के उहदे कोल चला जावांगा। वह इन्ना दुखी हो गया कि वह इस गल नूं भी भुल गया कि मैं कौन परमेश्वर का चुनिया होया बंदा। वह प्रार्थना करता तो की परमेश्वर उन्हें ना दसदा कि यूसुफ सचमुच जिउंदा, तेरे बच्चों ने तेरे झूठ बोलिया। इन्ना महान इन्ना वड्डा होने के बावजूद जो पवित्र आत्मा खेदित हो गया, वह खुद खेदित हो गया, दुखी हो गया, उन्होंने पवित्र आत्मा ने लीड नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना करने लिए लेट नहीं किया, उहदा मन खेदित सी, दुखी सी, पवित्र आत्मा ते उन्हों कोई भी चीज़ उहदे उत्ते रिवील नहीं की। जबकि जे वह खुश हुंदा वह परमेश्वर को जानदा धन्नवाद दे नाल, परमेश्वर तू इन्नियां चीज़ां मेरे लिए कीतियां, यह भी तेरे लिए औखी नहीं। बाइबल तो कहती अब्राहम ने कहा कि जदों वो एक वड्डी परीक्षा चो निकल चुकया, वड्डी परीक्षा नूं पास कर चुकया, तब उन्हें कहा कि वह जानता सी कि ओ परमेश्वर जिन्हें 100 साल के बाद मैनू बेटा दिता, जे उहदे कहन ते मैं इनू मार भी देंगा, परमेश्वर फिर तो इनू जिउंदा कर देगा। क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਜਦਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਬਰਾਹਮ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਲਟੀਨੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਏ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜੋਇਸ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੁੜਾ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਬਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਲਗਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੋਇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ, ਘਾਤ ਕਰੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤਾਇਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਸਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ? ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ? ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖਰਾਬ ਰਹੇ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ, ਖਰਾਬ ਟਰਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰਬਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 660 East 51st Avenue, ਵੈਂਕੂਵਰ BC। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7788920604454-0101। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਵੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ।